चलिए आज हम लोग सीखते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन बाय द यूज ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करना सीखेंगे और यूज किसका करेंगे, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ के बारे में हम सबको मालूम है, किरचॉफ के दो लॉ, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो केवीएल का यूज करते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सर्किट बना लें। इसकी नेमिंग कर दें, इसको मान लें पी क्यू आर और एस। एक गैल्वेनोमीटर लगा दें जिसका रेजिस्टेंस रहने वाला है जी, और इसको कनेक्ट कर दें किसी एक इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ में वैल्यू ए। इसकी नेमिंग कर दें पॉइंट का, तो ये पॉइंट को मान लें ए, बी, सी और डी। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट चलेगा वो चलेगा आई, और यही करंट इसी पाथ से होते हुए, इसी कंडक्टर से होते हुए आगे की ओर फ्लो करेगा। अब यहाँ से कंडक्टर डबल हो गए, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम सबको मालूम है कि अगर ये पैरेलल रहेगा तो करंट क्या हो जाता है, डिवाइड। तो अभी करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट अब डिवाइड हुआ, तो इधर हम मान लेते हैं करंट जो जा रहा है उसका वैल्यू है आई वन, इधर जो वैल्यू है उसका वैल्यू है आई टू। क्लियर। अब यही करंट आगे की ओर बढ़ेगा और आगे जाते हुए यहाँ पे फिर से ये करंट डिवाइड होगा, इधर जाएगा करंट, तो उसको हम डिनोट कर दें आई जी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है। और इधर जो करंट जाएगा वो इसमें से इतना माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू बचती है, मतलब आई वन माइनस आई जी, इस पाथ में जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से जब करंट जा रहा है तो यही करंट जो है वो इधर की ओर भी जाएगा, तो इधर की ओर की करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आई टू है और यहाँ से क्या है आई जी, तो इधर क्या करंट जाने वाला है आई टू प्लस आई जी। क्लियर। अच्छा, तो ये तो हमने करंट दिखा दिया। अब हम क्या करें कि इसमें अप्लाई करें किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब हमको दो लूप यहाँ पे दिख रहे हैं, एक लूप है ए बी डी और ए, और दूसरा लूप है बी सी डी और बी। अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे एक एक करके, पहले फर्स्ट लूप में, देन सेकेंड लूप में। इसको मान लें फर्स्ट लूप, ये क्या है सेकेंड लूप। अब फर्स्ट लूप की बात करें तो ए बी डी ए, तो अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी डी और ए, ए बी डी और ए। चलिए, अब हमको मालूम है ओम्स लॉ ने बताया था V इक्वल टू होता है आई इंटू आर। अब यहाँ पे हमें आर पास आई भी है और रजिस्टर का ये रेजिस्टेंस जो है वो पी भी है, तो हम क्या करें आई वन को पी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आ गया आई वन इंटू पी। अब देखिए यहाँ पे करंट ये हमारा ऐसे जा रहा है, जो भी चीज करंट के डायरेक्शन में, लूप के डायरेक्शन में होगा उसको हम पॉजिटिव लेते चलेंगे, जो अपोजिट होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे, यही चीज हमको ध्यान रखना है। अब लूप भी ऐसे है, करंट भी ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन सेम है, मतलब इसको भी लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। ये करंट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, मतलब हो गया आई जी इंटू जी। क्लियर। अब हम जा रहे हैं इधर की ओर और करंट जा रहा है अपोजिट, तो अभी साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों क्या था सेम। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, करंट कितना है आई टू, रेजिस्टेंस कितना है आर, तो क्या हो जाएगा ये आई टू इंटू आर। क्लियर। और अलजेब्रिक सम ऑफ आल इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू केवीएल लॉ। अब जैसे यहां पे हमने ए बी डी ए लूप में अप्लाई किया केवीएल, उसी तरह बी सी डी बी में भी अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई केवीएल इन लूप बी सी डी बी, बी सी डी और बी। अब यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या मिल रहा है आई वन और आई जी, आई वन माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, रेजिस्टेंस कितना है क्यू। अच्छा, अब हम इधर की ओर जा रहे हैं और करंट इधर की ओर जा रहा है आई टू और आई जी, दोनों इधर की ओर जाएगा, और जबकि हमारा डायरेक्शन अपोजिट, तो अब क्या रहेगा यहाँ पे माइनस साइन, और माइनस साइन के साथ करंट कितना रहेगा आई टू प्लस आई जी, आई टू प्लस आई जी। अच्छा, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे एस। क्लियर। अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और करंट कैसा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हो गया माइनस साइन के साथ में, करंट आई जी रेजिस्टेंस जी, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम क्या हो रहा है जीरो। अब हमको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस में, यहां पे गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा वो क्या रहेगा जीरो, तभी ये क्या रहेगा बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का में करंट क्या होता है जीरो। तो अब आई जी जहां जहां पे है, चूंकि क्या है आई जी की वैल्यू जीरो, तो इन दोनों में जहां जहां आई जी है वहां पे हम क्या पुट कर दें जीरो, तो हमको देखो क्या मिलेगा, तो आई वन इंटू पी प्लस जीरो इंटू जी माइनस आई टू इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। उसी तरह इस इक्वेशन में भी बात करें तो क्या हो जाएगा आई वन माइनस जीरो इंटू क्यू माइनस
आई टू प्लस जीरो, आई जी की जगह क्या रहेगा, जीरो इंटू एस माइनस जीरो इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो अगर देखें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आई वन इंटू पी और इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा माइनस आई टू इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। इस वैल्यू को इधर ले जाएं अगर हम तो हमारे पास क्या मिल जाएगा आई वन इंटू पी, ये वैल्यू उधर जाएगा माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस आई टू इंटू आर, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसी तरह इसको भी अगर सॉल्व करें तो देखते हैं क्या मिलेगा, तो आई वन माइनस जीरो आई वन इंटू क्यू, आई वन इंटू क्यू माइनस माइनस आई टू प्लस जीरो, मतलब ये हो जाएगा आई टू मल्टीप्लाई बाई एस, और जीरो को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू सम क्या हो जाएगा जीरो। अब फिर से इस वैल्यू को उधर की ओर लेके जाएं तो हो जाएगा I1 into Q is equal to I2 into S equation second। अब हम क्या करें equation first को second से divide कर दें, तो divide equation first with equation second, तो I1 into P is equal to I2 into R, उसी तरह I1 into Q is equal to I2 into S, तो I1 I2 ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का इक्वेशन आ गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। ये क्या है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इस तरीके से केवीएल का यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने क्या किया बैलेंस कर दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको रेडी जल्द से जल्द कर लीजिए।